नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रिया पांडे। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने को है और राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवार मेटबा लिंगदो की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मेघालय विधानसभा अध्यक्ष मेटबा लिंगदो की संपत्ति पिछले साल में 68% बढ़कर 146.31 करोड़ रुपए हो गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मेघालय इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के प्रमुख लिंगदोह ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 87.26 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जो अब बढ़कर 146.31 करोड़ रुपए हो गई है। इस बार वो मैरंग सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा चुनाव में 61 उम्मीदवारों की संपत्ति का विश्लेषण किया गया है, जिनकी संपत्ति में औसतन 77% की वृद्धि देखी गई है। वही बता दे कि मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की संपत्ति में 164% की वृद्धि देखी गई है। उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 5.33 करोड़ रुपए बताई थी, जो अब बढ़कर 14.06 करोड़ रुपए हो गई है। तो वही संगमा सरकार में शहरी मामलों के मंत्री सीनिया बलंगतधर की संपत्ति पिछले 5 सालों में सबसे अधिक 607% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NPPP उम्मीदवार के रूप में नृत्यांग सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। धर ने साल 2018 में 6 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जो बढ़कर 45 करोड़ रुपए हो गई है। वही दादगृह निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। बिजली मंत्री जेम्स पी के संगमा की संपत्ति में 5.68% का उछाल देखा गया है। साल 2018 में 7 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2023 में 53 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा विपक्ष के नेता मुकुल संगमा और उनकी पत्नी डीडी शिरा की संपत्ति में 108% की वृद्धि देखी गई है। उन्होंने साल 2018 में 13.59 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जो साल 2023 में बढ़कर 28.21 करोड़ हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। इलेक्शन से जुड़ी और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।